लोकसभा में विपक्ष का जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें मणिपुर पे व्यापक चर्चा होनी है, लेकिन मणिपुर के साथ साथ बिहार में जो कुकृत्य है क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो केरल में खुलेआम बहुसंख्यकों के बारे में नारा लगाते हुए स्त्रियों का अपमान करते हुए चल रहे, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? सभी पे महिलाओं का कहीं भी अपमान हो ये बर्दाश्त नहीं है मोदी जी की सरकार में, और उसमें पर्याप्त जो कार्रवाई है वो भी सरकार करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा है महिला अत्याचार का, बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, बंगाल में पलायन जारी है, महिलाओं का भी और गरीबों का भी और खासतौर से बहुसंख्यक वर्ग का, ये भी मुद्दे हैं देश में। और देश के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं मैं समझता हूं कि अब उनके दिन लद गए हैं, कोई भी षड्यंत्र उनका अब कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरी बार 2024 में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के विश्वास पर जीतेगी।